मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले में सियासत तेज हो गई है। नर्सिंग घोटाले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जहां एक और मंगलवार को सदन में विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया और मंत्री विश्वास सारंग को घोटाले का जिम्मेदार बताते हुए इस्तीफे की मांग की। महत्वपूर्ण यह है कि चर्चा होना चाहिए। अगर सरकार विपक्ष के मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए एक ही मनोवैज्ञानिक जीत रहती है संगठन की, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ घोटाले की पे घोटाला, इसकी जो सुरंग पे हवा किनारे पहुंच गया, सुरंग का रास्ता खोला जाएगा विश्वास। वहीं दूसरी ओर नर्सिंग घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस ने 24 घंटे के सत्याग्रह की शुरुआत की। बोर्ड ऑफिस पर जारी सत्याग्रह में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। इस दौरान यूथ कांग्रेस के नेता मितेंद्र दर्शन सिंह सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में सरकार सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि बड़े अफसर और जिम्मेदार मंत्री को छोड़ा जा रहा है। मितेंद्र ने इस घोटाले में शामिल मंत्रियों से इस्तीफा लिए जाने की मांग की है। आज हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी इस बात को निरंतर कल भी लड़े थे और आज इसको लेके उन्होंने चर्चा की मांग की है। तो जब वहाँ वो चर्चा की मांग है तो इस जनता के बीच में चर्चा होना चाहिए और चर्चा उस पर्चे की होनी चाहिए जो नर्सिंग घोटाले का कांड विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ और इस प्रदेश के और अन्य प्रदेश के भविष्य के साथ छेड़खानी की गई है और उनके भविष्य को बेचा गया है, क्योंकि ये धांधली है। बेचा कैसे गया है? 66 कॉलेज खुले, उनकी मान्यता रद्द की गई। कहाँ है वो विद्यार्थी? क्या प्लानिंग है सरकार की उन विद्यार्थियों को लेके? क्या डेटा है? आप सरकार से पूछिए वो 66 कॉलेज के विद्यार्थियों को कहाँ प्लेसमेंट दी है, किस जगह भेजा है। तो हम तो बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के भविष्य के लिए और ये बात कह देते हैं कि सीबीआई ने जांच की। अच्छी बात है, सीबीआई की जांच में लोग दोषी पाए गए। जब सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए हैं तो इसका मतलब दोषी हैं लोग, तो उन दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर कहते हैं कि हाईकोर्ट और न्यायालय में चल रहा है, वो काम करते रहेंगे, लेकिन आप विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहे हो? तो हम यहाँ बैठे हैं विद्यार्थियों के लिए, ये तो हमारी मांग ही। 253 कॉलेज खोले गए, 253, तो सोचिए ना, एक संज्ञान में नहीं आया। और मीडिया तो सब जानती है कि एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता, दो कमरे में नर्सिंग कॉलेज की मान, तो क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा है, ये दिखाने वाली भी मीडिया है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि जितना सुंदर काम आपने किया है उसको तो हम सड़क पे लेके आ रहे हैं, तो इस आवाज को और उठाना चाहिए और इसको मजबूती देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।